दोस्तों, आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि एचआईवी एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज काफ़ी मुश्किल होने के साथ साथ काफ़ी दुर्लभ ही होता है। एक तो इन बीमारियों का पूर्ण रूप से कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई ऐसी मेडिसिन है जिनको लेने से इसे जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन साइंटिस्ट के रिसर्च और उनकी कड़ी मेहनत से कुछ ऐसी मेडिसिन को बनाया गया है जिनको लेने से इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये दवाइयाँ आम लोगों की ज़रूरत तक पहुँच नहीं पाती और बीच में इन दवाओं को ज़्यादा पैसे देकर खरीद लिया जाता है और स्टॉक कर लिया जाता है ताकि बाद में मुंह मांगे कीमत में बेचा जा सके। और जिन्हें इन दवाओं की जरूरत होती है उन्हें मिल नहीं पाती। तो गाइस, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एचआईवी का इलाज जिन दवाओं से किया जाता है उन्हें एंटीवायरल मेडिसिन कहा जाता है। ये दवाइयाँ एचआईवी वायरस को शरीर से बाहर नहीं निकालती हैं बल्कि उनको अपनी तादाद बढ़ाने से रोकती हैं ताकि बीमारी की गति धीमी हो जाए। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने बुधवार को बताया कि एचआईवी से संक्रमित 5 में से कम 3 लोगों को ही वर्ष में 2017 में एंटीवायरल थेरेपी ली। दुनिया भर में ऐसे लोगों की संख्या 2.17 करोड़ है और ये एंटीवायरल दवा तक पहुँचने का नया रिकॉर्ड है। एचआईवी का इलाज जिन दवाओं से किया जाता है उन्हें एंटीवायरल मेडिसिन कहा जाता है, ये आपने ऊपर जान लिया। लेकिन इन एंटीवायरल दवाओं को आरबीवी कहा जाता है। इन दवाइयों द्वारा एचआईवी के इलाज की प्रक्रिया को एंटोवायरल थेरेपी या आरटी कहा जाता है। यूएनएस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 3.69 करोड़ लोग एचआईवी से संक्रमित थे। इनमें से 1.52 करोड़ लोगों को आवश्यक दवा मिली। एजेंसी में नए संक्रमणों और मौतों की संख्या में कमी लाने के लिए प्रगति की प्रशंसा की, लेकिन इनमें इंसानों की मरने की संख्या का अफसोस जताया। 1980 के दशक में शुरुआत में इन बीमारियों का पता चला था और तब से करीब 8 करोड़ लोग इनमें संक्रमित हो चुके हैं और 3.5 करोड़ लोगों की मौत भी हो चुकी है। एजेंसी ने कहा कि अब तक हुई प्रगति से इस खतरे को विराम लगा है, लेकिन उसने ये चेतावनी दी है कि इस बीमारी पर किए जाने वाले खर्च एवं दुनिया में ध्यान रखकर कमी आई है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिकी प्रशासन ने इस पर होने वाले खर्च में कटौती की धमकी दी है। अमेरिका एड्स कार्यक्रम पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक एचआईवी संक्रमित लोगों में 90% अपनी स्थिति को जाने, उनमें से 90% को निश्चित रूप से आरटी प्राप्त होना चाहिए और उनमें से 90% के एचआईवी विषाणु संक्रमित भी नहीं होने चाहिए। और रहा बात एचआईवी को जड़ से खत्म करने की, तो आपने ऊपर जाना कि जिन दवाइयों का जरूरत होती है उन्हें दवा मिल नहीं पाती। उन दवाओं को बीच में ही बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्टॉक में रख लेती हैं और बाद में मुंह मांगे पैसों में बेचती हैं। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दूं, एचआईवी की दवा से केवल एचआईवी को रोका ही जा सकता है, जड़ से खत्म करना तो फिलहाल तो लगभग असंभव है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।